अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा उर्दू चैनल लाइव विद शाहिद खान। दोस्तों आज फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम SQLite 3 के ऊपर ही काम करेंगे और उसकी आखिरी वीडियो है आज की। इसमें आपको हमारा जो टेबल है उसको हम अपडेट करना सिखाएंगे, उसके बाद उसमें कुछ चीजें डिलीट करना भी सिखाएंगे कि टेबल में अपडेट कैसे की जाएगी और उसके बाद डिलीशन उसमें कैसे की जाएगी। तो उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उन तक हमारे नोटिफिकेशन फौरन पहुंच पाएंगे। तो लेट्स मूव इन। तो सबसे पहले एनाकोंडा आपने एज यूजुअल स्टार्ट करना है, उसके बाद जुपिटर नोटबुक, और उसके बाद आप न्यू करना चाहें तो न्यू के सेक्शन में चले जाएं, या फिर एज यूजुअल जैसे हमने ओपन किया हुआ है हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल SQLite वाली फाइल जो ऑलरेडी हमारी चल रही है तो उसी पे हम वर्क करेंगे। और ये हमारा तमाम फेजेस आपने ऑलरेडी सीखे हैं कि इंस्टॉल किया हमने, उसके बाद इंपोर्ट SQLite 3 SQLite 3.connect के साथ काम, कनेक्शन डॉट कर्सर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड फेच ऑल, क्लोज SQLite क्लोज करेंगे आखिर में। उसके बाद हमने ये सारा कुछ सीखा, हमारी जो प्रीवियस वीडियो है आप देख सकते हैं ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के काम में जो अहम टॉपिक हमने करना है वो है अपडेट। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें चीजें हमने ऐड की थी, ये सारी की सारी चीजें उसके रिजल्ट हमें मिले थे। जैसे ये सैलरी 20,000 है आईडी नंबर 1 पर पाउल की 20,000, इसको हम आज अपडेट करते हैं और उसके लिए हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको सिर्फ समझा देता हूं मैं ताकि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके। तो एज यूजुअल ही कोड है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हमने, टेस्ट डीबी जो हमारी डीबी फाइल बनाई थी हमने उसी को हमने कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम प्रिंट की कमांड ले लेंगे ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली, ये हमें फर्स्ट पे प्रिंट कर देगा। और उसके बाद कनेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे ये चीज है अपडेट, ठीक है, ये हम कमांड यूज करेंगे अपडेट की। उसके बाद कंपनी सेट सैलरी, ठीक है, कंपनी में सेट सैलरी हम 25,000 कर रहे हैं आईडी नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। हम आईडी नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी नंबर 1 है, यहाँ पे सैलरी 20,000 है। अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारी 25,000 करता है या नहीं करता। उसके बाद कनेक्ट डॉट कमिट एज यूजुअल प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो अपडेटेड, कनेक्शन डॉट टोटल चेंजेस ये हम करवा लेंगे। उसके बाद कर्सर को एग्जीक्यूट करवा लेंगे, सेम सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस सैलरी फ्रॉम कंपनी, और उसके बाद सेम हम प्रिंट कर लेंगे आईडी नंबर 0 रो 1 2 3 एंड ऑन न्यू लाइन, ऑपरेशन डन सक्सेसफुली। ये पूरा कोड अब जब हम लिख लेंगे, आप ये ध्यान में रखें कि जब भी आपने कोड अगर देख के लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लें, कोड आपके सामने सारे का सारा, इसको आप प्रैक्टिस करें तो आपको रिजल्ट सामने मिल जाएंगे। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस यानी कोड को, तो हमारी जो 25,000 की सैलरी है आईडी नंबर 1 पर वो होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जी हाँ, कोड एग्जीक्यूट हो गया और यहां पे आप देख लें कि ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली, फ्रंट कमांड प्रिंट हुई, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रो अपडेटेड एक हुई है। आईडी नंबर 1 पर पाउल की जो सैलरी थी वो 20,000 से 25,000 हो चुकी है, ठीक है, यानी कि वो उसने डाटा अपडेट कर दिया, बाकी डाटा एज इट इज मौजूद है, ऑपरेशन डन सक्सेसफुली। इस तरीके से ये एक कमांड के साथ, सिर्फ आपने अपडेट कंपनी वाली कमांड के साथ इसको सैलरी देनी है जो यानी कि हम इनहांस करनी है, उसके बाद आपने आईडी नंबर देना है कि किस आईडी नंबर में करना। अगर हम इसको 30,000 करते हैं, फर्ज करते हैं कि आप इसको 30,000 करके और उसके बाद इस कमांड को रन करते हैं तो देखते हैं ये क्या रिपोर्ट देता है। ये देख लें आपके सामने है, हमने उसको अपडेट किया सिर्फ एक जगह को और सैलरी इसकी 30,000 हो चुकी है पाउल की, और बाकी एज यूजुअल अवेलेबल है, ठीक है, सेम इट इज, तो ऑपरेशन डन सक्सेसफुली। इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर अपडेट भी कर सकते हैं इस कमांड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड हमने देखनी है आज के इस वीडियो में वो है डिलीशन की। नीचे पूरा कोड ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ एक ही जगह पे सारी चीज मेंशन है और वो ये है कि डिलीट फ्रॉम, ठीक है,
डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर आईडी नंबर टू, जहां पे आईडी नंबर टू होगा वो उसको डिलीट कर देगा, बाकी सेम कमांड यानी कि प्रोग्राम है वो एज इट इज मेंशन है सेम, आपने इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपने इसको डिलीट फ्रॉम कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट जब करना है तो डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर आईडी नंबर टू, ठीक है। आईडी नंबर टू यहां पे देख लें एलन टेक्सास 15,000 है, अगर हम इसको कोड को रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। यहां पे देखें आईडी नंबर वन है, हमारा कोड इंप्लीमेंट हुआ आईडी नंबर वन, आईडी नंबर थ्री, आईडी नंबर फोर, दैट्स इट, ठीक है। और नंबर टू पे जो हमारा यानी कि लाइन थी आईडी था वो उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि हमने यहां पे डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर आईडी नंबर टू लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम आईडी नंबर टू को डिलीट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। और अगर फर्ज करो अगर आप ऐड करना चाहते हैं कोई और, तो मैं उसको भी आपको मेंशन करके दिखा देता हूं कि अगर आईडी नंबर थ्री को भी हमने डिलीट करना है तो वो कोड क्या रिपोर्ट देता है हमें। ये देखें कोड एग्जीक्यूट किया, पहले आईडी नंबर टू हुआ, उसके बाद आईडी नंबर थ्री भी डिलीट हो चुका, सिर्फ हमें आईडी नंबर वन, आईडी नंबर फोर अवेलेबल है, ऑपरेशन डन सक्सेसफुली, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका पूरे का पूरा, ठीक है। पहले हमने टू किया और फिर थ्री डिलीट किया, अब हमारे यानी कि ऑप्शंस दो मौजूद हैं सारे कोड के अंदर। तो इस तरीके से सिर्फ आप डिलीट की ऑप्शन यूज करते हुए डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद अपडेट की ऑप्शन यहां पे यूज करते हुए अपडेट भी कर सकते हैं, जो चीज आप अपडेट करना चाहें यहां पे मेंशन करें और उसके बाद इसको आईडी की हिंट दें, और ऊपर पूरा हमने कोड लिखा था ऑलरेडी सारे का सारा वो आपके सामने मौजूद था 1 2 3 4, और हमने एंड में आके सारा डिलीट कर दिया, 1 और 4 बच गया, 2 और 3 डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आसानी के साथ आप SQLite में अपडेशन और डिलीशन भी कर सकते हैं, इस कोड को यूज करते हुए, पाइथन को यूज करते हुए डेटाबेस में कोई भी अमेंडमेंट करना चाहें, चेंजेस करना चाहें, तो बड़ी आसानी के साथ आप पाइथन के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो SQLite के ऊपर थी, हमने इसके ऊपर काफी वर्क किया, आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को टीच किया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी ग्रिप हासिल हो चुकी होगी इस SQLite मॉड्यूल 3 के ऊपर, ताकि आप लोग पाइथन में अगर वर्क करना चाहें इस मॉड्यूल के ऊपर तो आसानी से कर सकें, कहीं भी आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो आप सर्च कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प यानी कि कमेंट कर आप हेल्प कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ऐसा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो बड़े अहम टॉपिक है, वो है टेस्टिंग, डीबगिंग और सी प्रोफाइलिंग, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि आप लोग वो सेगमेंट भी हमारा सीख सकें पाइथन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते ही हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।